समाधान करने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि पटना से मैं जोड़ता हूं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को, क्योंकि वो साधक हैं और उनकी बड़ी इच्छा होती है कि दीदेवार जी से हम कुछ जाने समझें। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आज मौका है आपके पास, आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं दीदेवार जी से, आपकी जो भी शंका है उसका समाधान पा सकते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी फ्रॉम पटना, पूर्व प्रभा वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज की बातें बहुत ही सकारात्मक सुनने को मिली कोहली जी से, उनका सत सत नमन मैं करता हूँ। लेकिन मैं एक समस्या हमारे सामने है कि हम लोग सनातन कहलाते हैं, हिंदू में सनातनी वर्ड है, तो ये सनातन शंका मालिक दोनों में क्या अंतर है, ये स्पष्ट कर दे कृपया। सनातन शब्द जो है वो कब से मानव ने उसके व्यवहार में, उसके विचार के अंदर, उसके जीवन के अंदर जब आरंभ हुआ, हमने उसे सनातन मान लिया। और जिस जिस के अंदर, विचार के अंदर, जब जब मानव कहाँ कहाँ था, जहां से मानव ने अपना सामाजिक जीवन आरंभ करा, वो सनातन है। हमारे भारतवर्ष के अंदर हम सनातनी हैं क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा विचार नहीं था, तो सनातन विचार ही माना गया। तो ये सनातन मत है वो मानव मत है, किसी एक धर्म विशेष का या एक जाति विशेष का, मानव के समुदाय का नहीं है। उस समय के जितने भी मानव थे सबने उनके विचार आए। हमने देखा है कि भाषा तो अलग हुई, भूषा अलग हुई, भोजन अलग हुआ, मगर कई ऐसे विचार हैं पूरी दुनिया के अंदर, सब ऐसे हैं जैसे एक मत, परिवार मत हमने सहमत करा। और एक जो है अकेलापन, जैसे हमने ब्रह्मचर्य का भी मत दिया, वो दिया, मगर दुनिया के अंदर ये ब्रह्मचर्य मत जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष के अंदर उसने समाज के लिए एक भीतर संकल्प लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना है समाज के लिए, उसने परिवार का गठन नहीं करा और समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया, वो ब्रह्मचर्य है। ये सनातन मत भी वहां से आरंभ हुआ, उन्हीं लोगों ने ही अपने अपने जगह जगह पर जाके लिया, जिन्होंने परिवार बनाया वो परिवार के साथ सहमत हो गए। सो जिन जिन्होंने परिवार नहीं, पर कुछ लोगों का ही उद्देश्य होता है। सो ये धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, ये मानव के विचार की प्रवृत्ति है। सनातन जो है आरंभिक मानव का प्राचीन काल से उसके जीवन के अंदर, सामाजिक जीवन की आरंभता सनातन है। मैं हमारे सनातन के साथ एक विशेष मैं लेता हूं आपके अंदर के, एक शब्द है, सबसे पहले शब्द कौन सा लिया, सनातन की बात की है तो सबसे पहले जो शब्द था हमारे जीवन काल के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, वो शब्द था ओम। ओम का अर्थ है ओ आ और मैं। जैसे ही ओ बोलते हैं तो हमारा सब जो प्रथम द्वार है, नाभि द्वार पर उसका आहार होता है, उस पे आघात होता है। ये हमारा नाभि द्वार जो है वही हमारे जीवन का संग्रह और भंडार है। सो आ करते हैं तो हमारा हृदय द्वार पर उसका आघात होता है, हृदय जो है हमारा धड़कता है। और जैसे ही मां का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो विचार दीवार है मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर, उस पे आघात होता है। ये तीनों का समन्वय जो है ये ओम है, मगर हमने इसे अलग अलग भाषाओं से ले लिया। और इसी भाषा के अंदर सनातन मत से चलता हुआ, जो कब से आरंभ हुआ इसकी कोई विशेष नहीं है, कुछ काल्पनिक है और कुछ हकीकत है। सो उसके बाद कुछ समय बाद दो ऐसे राजकुमार हुए हमारे भारत की धरती के अंदर, जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, एक जैन मत हुआ और एक बौद्ध मत हुआ, मगर उन दोनों ने भी सनातन मत के अंदर कुछ बदलाव लगाकर अपना मत डाला। तो उस उन्होंने भी ओम तो स्वीकार करा, क्योंकि ये मानव शरीर के ऊपर है, ओ आ और मां अर्थात तीन अवस्थाएं। और उसके कुछ समय 2000 साल बाद
एक ऐसे संत आए जिन्होंने सिख मत के नाम अपना गुरु नानक के अंदर लिया, उन्होंने भी ओम को स्वीकारा ही नहीं बल्कि उसका विस्तार भी करा, उससे पहले एक लगाकर एक कुमकार कह दिया, अर्थात तू ए व्यक्ति विशेष, तू अकेला है, तुझे ही इस जगत में आगमन हुआ है, तू ही ब्रह्मा है और तुझे ही जीवन जीना है, तू ही विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु, और तू ही अगर इस जगह से प्रस्थान करेगा तो तू ही महेश है, ये तीनों का जो समन्वय है, अकेला व्यक्ति तू ही है और इस पूरे जीवन का तू ही स्वामी है, सो तेरे को स्वामित्व कैसे करना है। और ये सनातन मत के अंदर, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जब भी किसी की आरंभता होती है तो हम ओम या एक ओंकार का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमने सनातन मत को सबसे आरंभिक आदिकाल से मान लिया है। सो एक ओंकार या ओम बोलने से आरंभिकता है। मगर विदेश के अंदर जो चार मत हैं, यहूदी मत, पारसी मत, ईसाइत मत और मुस्लिम मत, इन्होंने भी ओम को स्वीकारा है, मगर ओम के स्थान पर इन्होंने आमीन शब्द बोला है। हमने आरंभित कार्य करने में एक ओंकार या ओम का उच्चारण करते हैं, वो जब काम की समाप्ति होती है तो आमीन कह देते हैं, फर्क कोई नहीं है, सनातन मत आरंभिक है और अंत है जो दूसरा है। सो हमें अपने अंदर आद और अंत को अगर हम ये समझेंगे जीवन काल को, तो हम अपने सनातन मत को पूरी तरह समझ लेंगे। और मैं समझता हूँ जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको देने की कोशिश करी है, आशा है कि आप इसमें सम्मिलित हों। आनंद आनंद आनंद, धन्यवाद, आपकी बातें बहुत ही साग गगन तो समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सनातनी प्राचीन काल से हैं, लेकिन वर्तमान समय में सनातन जो है प्रासंगिक नहीं है, उसके लिए हम लोग को संघ का मालिक बनना आपके अनुसार जरूरी है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। मेरा अंत भी मैं हूं और आद भी मैं हूं, आद से मेरा आगमन हुआ है, अंत से मेरा प्रस्थान होगा, और जीवन काल के अंदर ही मैं स्वामित्व हूं, और मैं जब तक इस शरीर के अंदर हूं तो इस शरीर का स्वामी हूं, और जैसे ही मैं शरीर त्याग देता हूं तो शरीर जो है निर्जीव हो जाता है और उस शरीर का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहता। तो मैंने अपने जीवन के अंदर जो वाहन है जब तक चाहा मैंने इसका प्रयोग करा, और प्रयोग मैंने कैसे करना है, अगर मैंने सही प्रयोग करा, मेरा वाहन सही है तो मेरा जीवन सही है, अगर मेरा मान बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो मेरा जीवन भी कष्टदायक होता है। सो मैं अपने जीवन का स्वामी, जब तक मैं इस शरीर में हूं मैं जीवन का स्वामी हूं, और शरीर छोड़ते हुए मेरा स्वामित्व भी खत्म हो जाता है, और मेरा वाहन जो है जो मैंने खुद तैयार करा था मैं छोड़कर अगले रास्ते चला जाता हूं। सो मैं अपने वाहन का भी तब तक मालिक हूं जब तक मैं इसके अंदर हूं, जैसे ही मैं वाहन से उतर जाता हूं, वाहन से निकल जाता हूं, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। और इसीलिए कुदरत के नियम के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर ये बदबूदार हो जाता है, इसलिए इस शरीर को भी त्यागने के लिए हमारे बाकी जो मानव है अपने आप करते हैं, नहीं भी छोड़ेंगे तो ये खुद स्वयं ही खत्म हो जाता है। इसके विषय में फिर मैं कभी बात करूंगा, आज के विषय के साथ आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया, धन्यवाद। तो इस तरह से शंकाओं का समाधान बहुत ही सारगर्भित और सार्थक तरीके से हुआ। अब दूसरे एक शशि जी दिखाई दे रहे हैं, शशि जी आप वीडियो में आकर बात करना चाहेंगे दीदेवाद जी से? श्रीमान शशि जी, यहाँ पे शशि जी दिखाई दे रहे हैं। जी शशि जी, आप कंफर्टेबल हैं? मैं ठीक है, वेट करेंगे। इशाक खान जी को, जो दूरदर्शन दिल्ली के कर्मचारी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि मानव व्यवहार से कैसे सकारात्मक समाज बनाया जा सकता है, मानव व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे समाज सकारात्मक बने। जय हिंद। आपने मेले से शुरुआत की थी और बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें वहां भी देखने सुनने को मिली, और आगे थोड़ा सा बैक हो जाइए, थोड़ा सा आपका कट रहा है ऊपर का, थोड़ा सा ठीक है। और मानव व्यवहार ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का अध्याय है, और इस पर दीदेवार महोदय ने काफी रोशनी डाली है।
और जहां तक मेरा ये ख्याल है सर कि अगर हम अपने आप को खुद पहचान लेते हैं तो हमें दूसरों को पहचानने में परेशानी नहीं होती, और अगर हम खुद को नहीं जानते हैं तो इसीलिए हम दूसरों को भी नहीं पहचान पाते। क्या ये सत्य है महोदय दीदेवार सर? बिल्कुल सत्य है। कारण यह है कि पूरी कुदरत, यहाँ तीन नियम की बात की जाती है, एक प्राकृतिक नियम, एक मानव का व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव के द्वारा विचारों से सहमत हुआ मानव का सामाजिक नियम है। और प्रकृति ने हमें भूख भी दी और प्यास भी दी। पूरे जगत के अंदर कोई भी जीव प्राणी हो, वो किसी भी थल का हो, जल का हो, आकाश का हो, किसी प्रकार का जीव हो, अगर उसे प्यास लगी है तो प्यास के लिए उसे पानी ही उसकी प्यास बुझा सकता है, कोई और चीज नहीं है किसी की प्यास बुझाने के लिए। मगर अगर उसको भूख लगी है तो उसके लिए भूख मिटाने के लिए अनेक प्रकार की वनस्पति है, सबका भोजन अलग अलग है, मगर प्यास बुझाने के लिए एक ही है, वो जल है। सो उसी प्रकार अगर मैं अपने आप को जल की तरह रखूंगा तो मैं सबके साथ सहमत होकर ये मान लूंगा, अगर मैंने सिर्फ भूख के लिए अलग अलग अपने विचार रखे और सामने वाले को विचार रखे तो अलग अलग हो जाऊंगा। सो पहले हमें अपने आप को ये मानना चाहिए, जैसे प्रकृति ने प्यास बुझाने के लिए जल का निर्माण करा है और दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्यास बुझा सके। अगर मेरे को जो जल देता है, अर्थात जल या जौन से विचार मेरे को सरल और सहज करते हैं, वही विचार दूसरे को भी सरल और सहज करेंगे, और जो विचार मेरे को क्रोधित करते हैं, बेचैन करते हैं, वो विचार दूसरे को भी क्रोधित और बेचैन कर सकेंगे। किसी को कौन सा आहार अच्छा लगता है, किसी को कौन सा आहार लगता है, किसी का आहार शरीर कबूल करता है, किसी का दूसरा आहार शरीर का कबूल करता है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी जल का किसी का भी शरीर कबूल ना करे। सो मैं जल की भांति और आहार के अंदर डिफरेंस करूँ, तेरे और मेरे विचार फर्क हो सकते हैं, जैसे वनस्पति के अंदर अनेक प्रकार के भोजन में फर्क हो सकता है, मगर प्यास में बोर नहीं हो सकता। तो जीवन की प्यास सबकी एक होगी, और जीवन की प्यास के अंदर जल ही जो है एक ही है, अर्थात सरलता सहजता है, और अगर मैं अपने विचारों से सहमत हूँ तो मेरे सामने वाले से विचार हो जाएंगी। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, उचित था कि मैं पहले अपने आप को देख लूं तो दूसरे को समझने में है। सो हम सबको अपने आप को जल की तरह समझेंगे तो सामने वाले कभी वही जल की प्यास बुझा पाएंगे। आशा है कि आपको इस संतुष्टि मिलेगी। आनंद 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 जी। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच जो हैं वो लोटस टेंपल तो आपने देखा ही होगा, और द टेंपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ए के मर्चेंट जी जुड़ चुके हैं, आरजेशियन ए के मर्चेंट जी। और दीदेवार जी का इस वक्त जो है प्रश्नोत्तरी चल रहा है, मैं डायरेक्ट जो है, दोनों आध्यात्मिक पुरुष हैं, काफी अध्ययन किया है और लाइब्रेरी में भी काफी अध्ययन करते हैं डॉक्टर ए के मर्चेंट जी आईआईसी में, और मर्चेंट जी से दीदेवार जी का इंट्रैक्शन बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर ए के मर्चेंट जी, इस वक्त दीदेवार जी मानव व्यवहार से कैसे सकारात्मक समाज बनाया जा सकता है, यही इसी विषय पर बातचीत हो रही है। डॉक्टर ए के मर्चेंट जी। अनम्यूट करके आइए, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके, अनम्यूट अनम्यूट होइए। सुदीप साहू जी भी जुड़ गए हैं। सॉरी, हाँ, अच्छा, मैं म्यूट म्यूट हुआ। तो सबसे सर्वप्रथम आप सबको सादर नमस्कार। आप मानव सेवा की चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा बहुत हमारे श्री दीदेवार जी को सुना, थोड़ा विलंब हो गया। मैं हमारे यहाँ एक इलाका है सुंदर नगरी नन नगरी, वहां पर मैं हम लोग रविवार को आते हैं मानव सेवा के लिए। हमारे यहाँ पर कई परिवार है, बच्चे हैं, तो हमारा एक समाधि स्थल भी है। तो अभी अभी एक्चुअली हम लोग ने राष्ट्रप्रथम भारत एक परिवार के ऊपर भी चर्चा किया, फिर उसके बाद दिवाली का त्योहार आया,
और आज छठ पूजा का भी चल रहा है, पवित्र दिवस का। तो बुजुर्ग साथीगण के प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क प्रॉब्लम सा लग रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपका म्यूट है, म्यूट है मर्चेंट साहब। सॉरी, जो थोड़ा बात था, चारों ओर हम देख रहे हैं कि युद्ध के काले बादल मनमरा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि महाप्रलय का वातावरण है, लेकिन दूसरी तरफ जो सकारात्मक सोच के लोग हैं वो लोग जानते हैं कि सभ्यता का विकास होना है और आज समस्त विश्व की सभ्यता, और इसीलिए बार बार हम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक समावेशी भविष्य का संदेश हमें भारत में दिया जा रहा है। मेरा अभी लेटेस्ट आर्टिकल में भी मैंने स्वामी विवेकानंदा की शिक्षाओं को पुष्टि करते हुए बताया है कि पूरे विश्व में भारत को एक अपना नेतृत्व का दायित्व लेना पड़ेगा और ये एक आध्यात्मिक दायित्व के रूप में भी हमें देखना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब भी आरजीएस परिवार की तरफ से कोई भी कार्यक्रम होते हैं, मैं मिस कर गया आपका जो बायोडाइवर्सिटी का जो कार्यक्रम था उसमें मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे वहां एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था आज जलवायु परिवर्तन को लेकर। अभी दुबई में 2 हफ्ते का एक महान कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके पहले हमारे दिल्ली में बहुत सारे जो पर्यावरण को लेकर सरकार संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार की हो, गैर सरकारी हो या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हो, तो हमारी एक दिवसीय बैठक हुई और कुछ हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए वो लोग दुबई जा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जो बहुत बड़ा जो हमारे सामने एक समस्या है, संकट बना हुआ है, उसमें भी हम कैसे सुधार ला सकते हैं, एक परिवर्तित सोच के साथ एक सकारात्मक योजना हमें जो भारत भाग लेते आ रहा है उस पर भी है। तो अभी एक और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विषय छेड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, इससे भी पूरे विश्व में एक नया खतरा, एक नया एक बहुत महत्व, यानी इसका हश काफी, अगर इसमें अगर हम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं लाते हैं तो ये हमारे पर जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हावी हो सकता है वो भी हमें विनाश की ओर ले जाएगा। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे विश्व में एक परिवर्तन का माहौल, और यहाँ पे सकारात्मक सोच और आरजीएस परिवार और इसके साथ जितने भी जुड़े हुए संघ, और विशेष करके मैं आभार कहता हूँ हमारे श्री उदय मन्ना जी को कि उन्होंने ये मुहिम को जिस तरीके से लिया, कितने हमारे 180 कार्यक्रम कर चुके हैं। तो इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और अभी यहां पर हमारी प्रार्थना सभा भी चल रही है, तो मैं सबको बता भी रहा हूं आरजेएस परिवार के बारे में और कैसे हम लोग ने
अपने ये अमृत काल में आजादी के अमृत महोत्सव के पश्चात अपने सेवाओं को जारी रखा है। तो उदय जी और सभी यहाँ पे हमारे वेबिनार में जुड़े हुए साथीगण का हृदय से धन्यवाद और आभार। तो दीदेवार जी कुछ आप जानना चाहेंगे जी, श्री उदय जी दीदेवार जी से कुछ जानना चाहेंगे। समस्या तो सभी को आती है मानव व्यवहार को लेकर, तो दीदेवार जी से कोई ऐसा प्रश्न आप पूछें जब आपको कुछ ऐसा व्यवहार मिला हो या समाज में देखते हो कुछ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मर्चेंट जी के पास प्रश्न नहीं है। सेकंड एक मिनट, मर्चेंट जी ने एक प्रश्न करा है जी। हाँ जी दीदेवार जी बताइए। आपने जो प्रश्न करा है वो व्यक्तिगत नहीं था, वो सामाजिक प्रश्न था, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का था, प्रदूषण का था या कुछ भी था, तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा जी। व्यक्तिगत नहीं हुआ, सामाजिक प्रश्न करा है। व्यक्तिगत भी है, व्यक्तिगत तो हर व्यक्ति के पास जो स्मार्टफोन है उसका सदुपयोग करें तो बहुत उनको लाभ पहुंच सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ठीक है, मैं आपका क्या प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ। मानव जगत के अंदर एक शब्द आपने बोला प्रलय आने वाली है। प्रलय के अंदर या समाज के अंदर प्रलय शब्द कभी नहीं होना चाहिए, ये विचार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रलय उस समय के लिए आती है, मगर उसके सुधार जो है सिर्फ मानव ही कर सकता है। मानव के जैसे हम अगर देखें, जब सबसे पहले लाइट बनी थी तो वो क्या बनी थी, उससे भी घबराहट थी। तो आज लाइट जो है वो कितनी जीवन के लिए आवश्यक हो चुकी है। जिस प्रकार हमने इंजन बनाया गाड़ी बनाई, उसके भी एक्सीडेंट होते थे। जब भी कोई नई चीज आती है उसके अंदर कुछ कमियां भी रहती हैं, कुछ सहती हैं। जब हमने बम बनाया, परमाणु बम बना, तो हमने उसको जो है इस्तेमाल करने के लिए जापान के ऊपर गिरा दिया गया। वो मानव की अज्ञानता थी, मगर वहीं से उसने सीखा कि उस परमाणु बम की जगह उसकी शक्ति को पहचानते हुए आज और मैं जो है इंटरनेट पे आप और हम बात कर रहे हैं, पूरा जगत ऐसा हो गया है। सो गलती को नहीं देखना है हमें, मानव जो है नई प्रगति करता है और उसमें जो भी गलती रह जाती है उसे सुधार करने के सक्षम है। जिस प्रकार हम थोड़ा सा देखें कि जब हमने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया था, आज से 50 साल पहले कितने कम हवाई जहाज थे, पर उसके अंदर कितने हवाई जहाज क्रैश कर जाते थे। उसके अंदर क्या कमी रही है, मानव के अंदर ये गुण है कि उसकी कमी को दूर कर आज कितने जहाज उड़ते हैं और कितने क्रैश होते हैं, नॉमिनल क्रैश होते हैं। सो किसी चीज के अंदर मानव की प्रकृति के अंदर सजगता से करेंगे तो जैसे जैसे भी कुछ आएगा हम उसका सुधार कर लेंगे। आज मोबाइल के अंदर अभी आप ही के विचार थे कि इसका अंदर कई बहुत कुछ ऐसा है कि हर मानव इसके अंदर, बच्चे स्कूल में कोविड के अंदर पढ़ रहे थे, मगर उसका दुरुपयोग भी होता है। उपयोग जो है हमेशा कभी कम समय के लिए होगा, सदुपयोग लंबे समय के लिए होता है। जब भी किसी बच्चे ने गलत ले लिया, उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसे समझ आ जाएगी तो उसका उपयोग करता है। तो जीवन के अंदर 5-10% दुरुपयोग होता है, 90-95% जो है हमेशा ही उपयोग ही होता है। सो हमें अपने इस विचार को नेगेटिविटी नहीं लाना कि प्रलय आएगी। मानव पॉजिटिव कह रहा था, ये तो हमें जो सावधान किया गया है ना कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसका सदुपयोग कर सकते हैं, जैसे रसोई घर में छुरी है, किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं, हमें उसे सुधार के लिए लेना है। सो हमें मेरा सकारात्मक सोच है, उन्नति करते रहना चाहिए। इसके अंदर जो वो दुर्गति नहीं है, उसके अंदर कमी है, उस कमी को सजगता से कमी जो है उसको दूर करना है। जी बिल्कुल सही बताया। जैसे जंग होती है तो जंग के अंदर एक ही लड़का जो है एक ही देश दूसरे पे मारता है, मगर देखो मानव कितना तैयार है कि वो एक तो कहीं ना कहीं तो किसी ने पहले थप्पड़ या गाली मारी होगी, कहीं ना कहीं तो किसी ने बम मारा होगा,
मगर उस सभी डिफेंस करा है, मगर सभी अपने आप को डिफेंस ही कहते हैं कि मेरी जो मिलिट्री है वो डिफेंस है। सो अपने आप को सभी सही बनते हैं, तो हमें किसी को दोषी नहीं मानना है। अपने आप को डिफेंस करता है तो सामने वाला भी डिफेंस हो जाता है। कहीं पर भी हमारी प्रगति के अंदर को कमी है तो हमारा दायित्व बन जाता है उसमें कैसे सुधार करें, समाज के लिए, हम बच्चों के लिए, जो भी प्रगति है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अभी आई है तो कुछ समय के लिए ये गलत होगा, क्या बैंकों के अंदर पहले फ्रॉड नहीं होते थे, आज भी हो रहे हैं, पर सजगता से रहेंगे तो हम उसका सही करेंगे। सो हमें सजग सजग सरल रहना, मानव की प्रगति है। और एक चीज मैं आपके सामने और बता सकता हूँ, सृष्टि के पास वो शक्ति नहीं है जो मानव के पास शक्ति है। सृष्टि ने मानव रचा इसलिए कि जो वो कार्य नहीं कर सकती वो मानव कर सके। हमारे आंखों की एक सीमा दे रखी है, हमारे कानों की एक सीमा दे रखी है, मगर हमारे पास शक्ति ऐसे देख रही है, हम दूर बैठे हुए सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये प्रकृति ने नहीं दिया, ये मानव ने अपनी शक्ति का सदुपयोग करा है। सो कभी कभी इसके अंदर कुछ ऐसा भी रह जा सकता है, तो हमें पॉजिटिव सकारात्मक रहना है और सजगता के साथ जो उसके अंदर गलत बात आ रही है उठाना है और उसका निर्णय लेकर सुधार करने के लिए करना चाहिए। ये मानव की सामाजिक निर्णय है और हम सबका दायित्व है, दायित्व है, दायित्व। आनंद आनंद जी, जय हिंद। तो